जहानाबाद प्रखंड कार्यालय के समक्ष आज महागठबंधन के नेताओं ने धरना दिया। नेताओं का कहना था कि 9 साल बेमिसाल जो बीजेपी की सरकार नारा लगा रही है, ये 9 साल बेईमान सरकार है। जिस तरीके से सरकार ने इन 9 सालों में जनता को परेशान किया है, ऐसी जनता कभी परेशान नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ इस सरकार के द्वारा छला गया है। ये सारी बातें जहानाबाद में प्रखंड कार्यालय के समक्ष महागठबंधन के नेताओं ने जो धरना आयोजित किया था उसमें बोल रहे थे। देखिए नेताओं ने और कुछ क्या कहा है। केंद्र में जन विरोधी सरकार जो जुमलेबाजी करकर कि 15 लाख हमारी सरकार आएगी तो 15 लाख काला धन देंगे, आएगा तब वापस करेंगे और रोजगार देंगे। पिछले 9 साल में उन्होंने कहा कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे नौजवानों को, इसके मतलब 9 साल में 18 करोड़ हो गया और 18 साल में मात्र उन्होंने 7.5 लाख रोजगार दिया। इस तरह का उनका प्रोपगंडा, इस तरह का एथी करके, और जो संसद में इस बार संसद का राज्यसभा और लोकसभा में और राष्ट्रपति मिलाकर होता है, संसद कहा जाता है, और संसद का जो सर्वोपरि व्यक्ति है उससे इन्होंने शिलान्यास करवाने का काम नहीं किया। इस तरह संसद का संविधान को इन्होंने अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहा है। देश का जितना भी संस्था है, चाहे न्यायपालिका हो, प्रेस मीडिया हो, या सारे संस्थाओं को अपने हिसाब से चलाकर उन्होंने देश को एक तरह से अपने राजतंत्र का रूप में, प्रतीक के रूप में उन्होंने काज करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो माननीय महागठबंधन के रूप में पूरे देश में एक बड़ा महागठबंधन पड़ेगा, और ये जो जन विरोधी जो सरकार है, केंद्र का जो किसी प्रकार का कोई जनता के हित में कोई काम नहीं करती है। अगर किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अगर पूछ देते हैं कि 5 काम केवल बता दो कि 9 साल में 5 काम क्या है, तो उनका जनहित का कोई काम बताने की स्थिति में नहीं है। उन्हीं के खिलाफ हम लोग धरना पर बैठे हैं और उनको जो बेरोजगारी, महंगाई और संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करें, उनको विरोध में हम लोग बैठे हैं। मोदी सरकार के 9 साल में जो तबाही और बर्बादी मचा हुआ है, इसके खिलाफ महागठबंधन की ओर से आज पूरे बिहार में धरना है और उसी के तहत जहानाबाद प्रखंड के मुख्यालय पर धरना। 9 साल भाजपा जो है देश के लिए विपदा साबित हुई, रोजगार चौपट हो गया है, बेरोजगारी 75 वर्षों में चरम पर पहुंच गया है, महंगाई का भी यही हाल। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे और किसान तंगहाल हो रहे हैं, कंगाल हो रहे हैं। सब लोगों को घर देने का वादा किया था गरीबों का, और बिना सब लोगों का घर दिए उन्होंने फर्जी तौर पर घोषणा कर दिया कि हमने सबको घर का दे दिया। तो ये लूट झूठ की सरकार साबित हो रही है मोदी जी की, और ये जो नकली चाणक्य है जो बैठ करके और विधायकों को तोड़ने विभिन्न राज्यों में करके अब सरकार थपने की कोशिश करके रहे हैं, उसके खिलाफ महागठबंधन बिहार मॉडल ने देश को एक नई दिशा दिया है और बिहार ने बता दिया है कि मोदी के खिलाफ बिहार मॉडल जो है ये देश में चलेगा, और उनके लिए 2024 जो है वो विदाई का साल होगा। और साथ ही साथ जो देश में संविधान आज़ादी पर खतरा है, इसके लिए आज चारों तरफ से लोग उठ करके खड़े हो रहे हैं। वह सवाल है कि यह देश बचेगा कि नहीं बचेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, हक अधिकार लोगों को मारा जा रहा है, तो बुनियादी प्रश्न यह खड़ा हो गया है। इसलिए आप देखेंगे
कि तमाम संवैधानिक संपद हैं ये संस्थाएं बेची जा रही है, रेल भेल से बीएसएनएल बंदरगाह, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है जिसे मोदी जी ने छोड़ा हो और जिनका देश के आजादी में कोई योगदान नहीं रहा है, दुर्भाग्य से उनके हाथ में सत्ता चली गई है, वो तबाही मचा के रखे हुए हैं। तो तबाही के खिलाफ बेहतर भारत बनाने के लिए ये महागठबंधन का आह्वान है, धरना है। केंद्र सरकार के तानाशाही रवैया, 9 साल के बर्बादी और तबाही के विरोध में आज बिहार प्रदेश के महागठबंधन के साथियों ने बिहार के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर महाधरना का आयोजन किया है। क्या नाम है आपका पूरा? महेश ठाकुर, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल।